माय किचन द जे किचन। सर्दियों का मौसम विंटर मंथ्स आर द बेस्ट मंथ्स फॉर आउटिंग पिकनिक्स, छत में बैठकर खाना और खिलाना। आज मैं शेयर करूंगी बारबेक्यू चिकन, जो मैं अपने अंदाज में आपके साथ शेयर करूंगी। शेयर करने से पहले आई रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियोस यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। तो चलिए बनाते हैं बारबेक्यू चिकन। चलिए इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। यहाँ मैंने छोटे टुकड़ों में 500 ग्राम चिकन काट कर रखा है। ये मस्टर्ड ऑयल है, मैंने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, लेमन जूस, एक नींबू का जूस मैंने निकाला है, थोड़ा गरम मसाला, ये है चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। हम कुछ कर्ड भी, योगर्ट भी यूज करेंगे। देखिए मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूंगी, धनिया, जीरा, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, चाट मसाला, चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये लेमन जूस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसी में मैं 4 टेबलस्पून दही योगर्ट मिलाऊंगी। देखिए कितना अच्छा थिक दही है, इसको मिलाकर इसका हम अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से सारे मिक्स हो जाए। देखिए इसका कलर कितना ब्राइट है। ये सारी अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया। नाउ वी गोइंग टू ऐड दिस मिक्सचर टू आवर चिकन। इस मसाले से अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करने के लिए हम रखेंगे। सो वी गोइंग टू मिक्स ऑल दिस वेल। देखिए अच्छी तरह से चिकन मसालों के साथ कोट हो चुका है। इसको हम 1.5 to 1 hour, 1 घंटे तक आप इसको मैरिनेशन में रख सकते हैं। वी आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट टू दिस। एंड आई एम गोइंग टू लीव इट दिस चिकन फॉर 1 hour। उसके बाद हम इसको पकाएंगे, हम इसको बारबेक्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गमला लिया है, ये फ्लावर पॉट है, इसको हम बारबेक्यू में चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर ये चाकोल है, ये काट कोयला है, तो इसको हम जलाएंगे एंड ये स्क्यूअर्स की मदद से हम चिकन को बारबेक्यू चिकन बनाएंगे। तो चलिए जलते हैं, अब जलाएंगे। आई एम गोइंग टू यूज अ कैंडल फॉर दिस, क्वाइट ब्रीजी। जलाते हैं। देखिए ये हमारा फायर एकदम रेडी है। नाउ वी गोइंग टू ग्रिल अ चिकन। देखिए ये स्कीवर्स है, मैं इस चिकन पीसेस को इसमें लगाऊंगी इस तरह। एक एक पीस लीजिए एंड वी गोइंग टू डू दिस इस तरह। थोड़ा मसाला पर लगाते जाइए और इस तरह हम इसको प्रिक करके अंदर डालेंगे। सारे चिकन पीसेस को इस स्क्यूअर्स में डाल दिया है। नाउ वी गोइंग टू, देखिए हमारा आग भी रेडी है, अब हम इसको ग्रिल करेंगे। तो हम इस तरह,
देखिए हमारा हिबाची, मैंने इसको अपना अपनी अंदाज में बनाया है एंड इसको हम इस तरह आग में पकाएंगे। सो कीप टर्निंग एंड लेट इट कुक वेल। इसे आप टर्न करते रहिए ताकि ये जले नहीं, अच्छी तरह से कुक हो जाए चारों तरफ से। देखिए लेट्स बटर दिस, थोड़ा सा इसको ग्रीस करते हैं बटर से। देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है और बारबेक्यू चिकन इज ऑल रेडी। देखिए सो लेट्स टेक दिस आउट बिफोर इट गेट्स बर्न्ड। देखिए इट्स नाइसली ग्रिल्ड एंड यू सी, सो लेट्स टेक दिस आउट। सो सिंपल टू टेक इट आउट। देखिए इस तरह आप फोक लेकर इस तरह आप इसको निकाल लीजिए। देखिए मैंने सेकेंड बैच भी स्क्यूअर्स में डाला है। नाउ लेट्स कुक दिस आल्सो, दिस बैच आल्सो। चलिए थोड़ा इसमें हम बटर ग्रीस करेंगे सो दैट इट विल टेस्ट मोर यम। इस तरह से इसको थोड़ा घुमाकर मैं थोड़ा बटर लगा दूंगी। फायर अच्छा है, देखिए आग अच्छी तरह से पक रहा है। ये भी अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए अगेन वी टेक द फोक एंड वी, इतनी अच्छी तरह से पका है कि अपने निकल जाएगा। देखिए इस तरह टेक दिस आउट। देखिए बिल्कुल रेडी है, लेट्स डू सर्विंग। चलिए हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए इतनी अच्छी तरह से हमारा बारबेक्यू चिकन रेडी है। मैं इसमें ये आमचूर स्प्रिंकल करूंगी एंड सम कोरिएंडर लीव्स। चेक आउट हाउ डिलीशियस इट इज। देखिए विशिंग ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। May this 2021 bring good health and happiness to all of us. See, our barbecue chicken is all ready. Please do try out this recipe. Keep watching, keep cooking. Thank you.